आज के मुकाबले के दोनों अंपायर्स बीके रवि और अभिजीत गंगवारी ऑफ बैलेंस से लगे इस पुल शॉट को खेलते हुए, और मिसफील्ड जिसकी बदौलत एक और रन मिलेगा। ओहो हो, प्रेशर थोड़ा सा मुंबई पर यहां पर लग रहा है। मुंबई को जल्द से जल्द अपने आप को संभालना होगा। और यहां पर आफ्ताब एक फील्डिंग लैप्स, पिछले ओवर में हमने देखा कि समीर कोचर ने एक लैप्स किया, तो ऐसे लैप्स बहुत मुश्किलहाट में आपको डाल सकते हैं। थोड़ा ऑफ बैलेंस जरूर हुए बल्लेबाज, नहीं ऐसी फील्डिंग आप नहीं कर सकते। जी हाँ, और खासा खुश लगता हुआ बंगाल टाइगर्स का खेमा। इंद्रशीष के लिए पहले रन स्कोरबोर्ड पर इस पारी के अंदर। ओ ला ला ला, बेहतरीन शॉट, चार रन, दावाकोर बल्लेबाजी जॉय बेहतरीन फॉर्म में लग रहे हैं। और ये बंगाल का खेमा बहुत ही खुश रमन, बिल्कुल रिधिमा अपनी खुशी जाहिर करती हुई जिस तरह से जॉय बल्लेबाजी कर रहे हैं। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, शायद यही कहने की कोशिश जॉय की। एक और जबरदस्त शॉट फॉली पे लिया और आइडिश मिड ऑफ की दिशा में खेला हुआ करारा प्रहार। ये पारी का छठा चौका था सोडी। जी हाँ, थोड़ा सा लेंथ को सुधारना होगा बॉबी को यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया गेंद, भारी किनारा बल्ले का, थर्ड मैन ऊपर, चार रन मिलेंगे बंगाल के लिए। रनों की भरमार इस समय, दुखी होंगे बॉबी देओल, ये बॉल तो बहुत ही अच्छा था लेकिन दुर्भाग्य। एक बार फिर नजर डालिए, ऑन द राइज खेलने की कोशिश थी, आगे बढ़े, थोड़ा अतिरिक्त उछाल और खुशी से झूमता हुआ बंगाल टाइगर्स का खेमा। रिधिमा खासी खुश, और क्यों ना हो, बॉल ने बेहतरीन स्टार्ट यहां पर ले लिया है। और पिछली बॉल पर अच्छा गेंद, जैसे आपने बोला उछाल जरूर मिला था, लेकिन हम कितनी बार देखते हैं अच्छा बॉल चार रन के लिए चला जाता है। और रितेंद्र, ये एक ऐसी सतह जिस पे ज्यादा उछाल है नहीं गेंदबाजों के लिए। भारी किनारा और चार रन, और कीपर के कितने करीब से निकली लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। चौके के साथ ओवर समाप्त, तीसरा चौका इस पारी का, 43 बिना नुकसान बंगाल टाइगर्स। जबरदस्त ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए हैं, चार रन बतौर एक्स्ट्रास के लिए 22 के भी आए हैं टीम के लिए, लेकिन दो ही गेंदों का सामना किया इंद्रशीष ने। पर कोई चिंता नहीं दिखती हुई बंगाल टाइगर्स के खेमे के अंदर। राजा भैरवानी गेंदबाजी के लिए अब लाए जा रहे हैं, तो एक गेंदबाजी में परिवर्तन कप्तान रितेश देशमुख द्वारा। बॉलिंग चेंज जो अभी जरूरी भी था, राजा भैरवानी आए हैं, इन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अच्छी गेंद स्टार्ट विद, सीधा मिड विकेट की दिशा में, कोई रन नहीं मिलेगा यहां पे। बहुत जरूरी रमन की अंकुश लगाया जाए स्कोर पे, लेकिन अगर यहां अंकुश नहीं लगता तो मुश्किल में आ सकती है मुंबई। पिछले ओवर में 13 रन, उससे पिछले ओवर में 14 रन, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगे ओवर आ रहे हैं। ये जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का समय पहले 6 ओवर का, उसका भरपूर फायदा उठा रही है बंगाल टाइगर्स की टीम, और उसका मजा लेते हुए ये दर्शक। ओहो हो, बच्चे बूढ़े जवान हसीनाएं सब सी फील्ड में। कैच देम यंग एंड वॉच देम ग्रो। ओ हो, बहुत मुश्किल में आ सकते थे बल्लेबाज इस समय, बाल बाल बचे। दो रन आसानी से मिलेंगे, रन्स आसानी से आ रहे हैं बंगाल के लिए, और वो परेशानी बनती हुई मुंबई के लिए इस समय। सोहेल खान, इन्होंने मुंबई हीरोज के अपने खेमे के अंदर ब्रांड एम्बेसडर कौन है बंगाल टाइगर्स टीम के, ये है हमारे सीसीएल सुपर फैन का सवाल। आप भी सीसीएल सुपर फैन बनने के लिए कॉल कर सकते हैं 5333599 पर, और जीत सकते हैं ₹1,00,000 कैश आज। बेहतरीन तरीके से खेल दिया है, लेकिन रोक लिया गया है बाउंड्री लाइन पर। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये चार है या नहीं। चार का संकेत आता हुआ अंपायर का, क्योंकि जब किक करके रोकने की कोशिश करी तो गेंद बाउंड्री रोप को टच कर गई। एक बार फिर फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का सोडी कितना अच्छा इस्तेमाल किया, चिप किया मिड ऑन के ऊपर से। जी हाँ, सबसे अच्छी बात है सीधे बल्ले से खेला। क्रिकेट में सबसे आसान शॉट वो होता है जब आप सीधा खेलते हैं, तो टेक्निकली पर्सोनिफाइड। बल्ला तो आज आप भी लेकर आए हो सोडी, क्या चक्कर है मुंबई हीरोज के लिए बैटिंग करने की तैयारी? वो मैं आपको बताऊंगा मैं किसके लिए लेके आया हूँ। और आप भी बहुत खुश होंगे, उस इंसान के लिए लेके आया हूँ जिसको क्रिकेट का बहुत बड़ा जुनून है। सुनील शेट्टी की बात तो नहीं कर रहे?
वो आपको पता चलेगा एक घंटे के बाद. Boost is the secret of my energy, and so we have another beautiful lady in the screen. और ये है CCL का जादू. आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप हसीन चेहरे देखते हैं. और ऐसी मोटिवेशन भी मिलती है टीम्स को. जबरदस्त प्रहार और चाहिए फर्स्ट बाउंस में गई है गेंद. जी हाँ, एक टप्पा खा के बाउंड्री रोक के बाद चार रन. और बहुत ही खराब गेंद, छोटा गेंद बिल्कुल नहीं कर सकते. और यहाँ पर चार रन मिलते हुए बहुत ही खुश होंगे बंगाल के कोच इस समय. निराश हमने उनको देखा था बेंगलोर में, लेकिन यहाँ पे एक अलग नजारा. और टीम का 50 पूरा होता हुआ, 53 रन स्कोर बोर्ड पर. छोटी गेंद और देखिए बैटिंग क्रीज की डेप्थ का कितना भरपूर इस्तेमाल किया उस पुल शॉट को खेलते हुए. बहुत अच्छी आपने टेक्निकल बात बताई. आप जितना क्रीज का यूज करते हैं उतना ही आसान होता है पुल शॉट खेलना. हमने अमूमन तेंदुलकर को देखा है बड़े बड़े शॉट्स खेलते, क्रीज का भरपूर इस्तेमाल करते. और पूरी तरह खुश बंगाल. और अब राउंड द विकेट आने की कोशिश, एंगल बदलने की कोशिश राजा भिरवानी द्वारा. 53 रन स्कोरबोर्ड पर बंगाल टाइगर्स के लिए एक ताबड़तोड़ शुरुआत 2020 कुकीज CCL सीजन 6 के अंदर. वापस ओवर द विकेट और डॉट बॉल के साथ उस ओवर की समाप्ति करते हुए 53 बिना नुकसान बंगाल टाइगर्स. बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट हुआ उनके द्वारा. पिछले ओवर की आखिरी गेंद जो थी इस प्रकार बहुत ही करीबी मामला था. हालांकि ऐसा लगा कि वापस पहुंच गए हैं क्रीज में. पहले पैर ऐसा लगा कि बाहर निकल गया, फिर बिल्कुल सही वक्त पे अंदर आते हुए और बाल बाल बचे. हालांकि विकेट कीपर ने गैदर किया गेंद को और जो बेल्स है बहुत जल्दी निकाल दी थी, पर सुरक्षित नजर आते हुए. तो यहां पे कोई भी मुश्किल नहीं, कोई भी कठिनाई नहीं, तो कोई भी अभी तक विकेट का पता नहीं हुआ बंगाल टाइगर्स के लिए. और यहां पे सुरक्षित नजर आ रहे हैं. मैं अजय मेहरा, मेरे साथ है विनीत मल्होत्रा. विनीत, यहां पे समस्या नजर नहीं आ रही. अजय मेहरा, गुड आफ्टरनून. बहुत ही इलेक्ट्रिकल माहौल. अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर गुजरात का और एक बेहतरीन गेम हमारे हाथों पर. मुंबई पूरी तरह कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह बंगाल जगरनॉट चल पड़ा है जॉय का, उसको रोकने की कोशिश करे. अभी तक बॉबी दियोल और रितेश देशमुख कोशिश करते हुए अपनी बॉलिंग के द्वारा बैट्समैन को किसी तरह पजल करने में नाकाम रहे हैं. पर अजय, इसी का नाम CCL है. जितना एंटरटेनमेंट है उसके साथ उतना ही चैलेंज है. और जॉय एक अच्छी पारी खेलते हुए, और आपको बता दें कि जॉय नाम की अजय एक हॉलीवुड मूवी भी है.